दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइए, और उसके साथ वो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अर्शल मुदिराज, और आज का वीडियो होने वाला है द कॉस्ट ऑफ क्विटिंग इन बॉडी बिल्डिंग। यानी कि आज का एक अलग टॉपिक मैंने चूज किया है, वो टॉपिक है कि बॉडी बिल्डर्स जो नो अपने पीक टाइम पे आके बॉडी बिल्डिंग से क्विट करते हैं और कोई करियर ऑप्शन चूज कर लेते हैं। और ये कोई सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट लगेगी बॉडी बिल्डर्स की, जैसे लू फरीकडा उनमें से एक है, उसके बाद काई ग्रीन है, उसके बाद माइक मेंजर है। तो ये टॉप क्लास बॉडी बिल्डर्स थे जो अपने पीक करियर में थे और शायद बहुत अच्छा कर सकते थे अपने करियर में। जैसे आप जानते ही हैं कि काई ग्रीन ने 2015 से मिस्टर ओलंपिया नहीं खेला, और आज भी उनकी अगर फिजिक देखें तो कितनी वर्ल्ड क्लास फिजिक है। आज भी अगर लगता है कि अगर वो कमबैक कर दे तो बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है फिल हीथ के लिए। सो आज का स्पेशली वीडियो मैंने बनाया है लू फरीकडा के ऊपर। सो हम सभी जानते हैं लू फरीकडा को एज ए इनक्रेडिबल हल्क और 1970s के कितने डेकोरेटेड बॉडी बिल्डर थे। सो लू फरीकडा ही सब बहुत लोग मानते हैं लू फरीकडा ही एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जो अर्नोल्ड को अपने पीक कंडीशन में टफ और बहुत ही अच्छी फाइट दे सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1975 में जो हमने जो पंपिंग आयरन मूवी देखी थी, जो डॉक्यूमेंट्री शूट हुई थी मिस्टर ओलंपिया के लिए, उसमें बताया गया था कि सर्ज ड्यूमरेट सेकंड प्लेस लेते हैं और लू फरीकडा थर्ड प्लेस लेते हैं। सो 1975 में अर्नोल्ड स्वाज़नेगर उस साल का मिस्टर ओलंपिया जीत लेते हैं, लू फरीकडा थर्ड प्लेस आते हैं। इस ओलंपिया के बाद अर्नोल्ड अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं और 1980 में वापस अपना कमबैक अनाउंस करते हैं। सो ऑब्वियसली अर्नोल्ड की 1975 के फिजिक में समझता हूँ अनबीटेबल फिजिक थी, अर्नोल्ड पूरी तरीके से डिजर्व करते थे। 1980 की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि शायद हाँ या शायद ना, मैं श्योर नहीं हूँ। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है मेरे यूट्यूब के ऊपर, आप चेकआउट कर सकते हैं। 1980 की जो कॉन्ट्रोवर्शियल ओलंपिया हुआ था उसके बारे में मैंने पूरा बताया है। बात करते हैं लू फरीकडा के बारे में। सो लू फरीकडा ने भी 1975 के बाद मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन नहीं खेला। इसका रीज़न ये था कि उन्होंने अपना करियर है वो पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया था एक्टिंग की ओर। सो उन्होंने बहुत सारे मूवीज़ में काम किया, टेलीविजन शोज में काम किया, और उनकी सबसे जो फेमस कैरेक्टर हुआ था वो था इनक्रेडिबल हल्क और हरक्यूलिस। सो ये दो कैरेक्टर्स के लिए वो जाने जाते थे और जो उनको फेम मिला वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। लेकिन बात करते हैं अगर लू फरीकडा शिफ्ट ना करते, अगर अपना करियर फोकस वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे ही रखते, तो क्या लू फरीकडा मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन जीत लेते? सो 1975 की फिजिक आप देख रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको जो फोटो दिखाऊंगा वो 1992 मिस्टर ओलंपिया की है। सो आप देख सकते हैं कितना वास्ट डिफरेंस है इनके फिजिक में। जो 1975 में जो फिजिक थी वो काफ़ी एस्थेटिक लग रही थी, और 1992 में जो फिजिक लेके आए थे वो काफ़ी मतलब रिप्ट भी थी, मैस भी था और मॉन्स्टर्स भी लग रहे थे। सो जो मुझे लगा कि इन्होंने जो क्विट किया, मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती की लू फरीकडा ने। लू फरीकडा को क्विट नहीं करना चाहिए था और अपना बॉडी बिल्डिंग करियर परसीव रखना चाहिए था। सो 1976 में जो मिस्टर ओलंपिया बने वो थे फ्रैंको कोलंबो, क्योंकि अर्नोल्ड स्वाज़नेगर और जो विडर उस साल का ओलंपिया प्रमोट कर रहे थे, और जाहिर सी बात थी कि फ्रैंको कोलंबो ही उस साल का ओलंपिया जीतेंगे। नेक्स्ट ईयर 1977, 1978 और 1979 फ्रैंक ज़ेन का एरा स्टार्ट हुआ, यानी कि फ्रैंक ज़ेन ने 3 साल लगातार ओलंपिया जीत लिया। सो अगर आप फ्रैंको कोलंबो और फ्रैंक ज़ेन और उसके साथ लू फरीकडा को खड़ा करें, तो डेफिनेटली फ्रैंको कोलंबो बहुत ही डेंस मसल मास लेके आते हैं, फ्रैंक ज़ेन बहुत ही एस्थेटिक लुक लेके आते हैं, और लू फरीकडा मैस और क्लास लेके आते हैं। सो तीनों भी अपने अपने जगह पे बेस्ट बॉडी बिल्डर्स हैं। लेकिन अगर इसमें से मिस्टर ओलंपिया चूज करना हो तो मैं इसमें से लू फरीकडा को ही मिस्टर ओलंपिया चूज करूंगा, क्योंकि हाइट में, मसल मास में, साइज में, कंडीशनिंग में, मसल मैच्योरिटी में फ्रैंको कोलंबो बहुत टफ साबित होते हैं फ्रैंक ज़ेन और लू फरीकडा के लिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे आपका भी ओपिनियन जानना है, आप कमेंट्स में मुझे बताइए क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। सो 1976 का मिस्टर ओलंपिया जीता फ्रैंको कोलंबो ने, और अगले 3 साल ओलंपिया जीता फ्रैंक ज़ेन ने, और उसके बाद एरा स्टार्ट हुआ ली हेनी का। सो 1992 के मिस्टर ओलंपिया में जब
लू फेरिग्नो ने कमबैक अनाउंस किया था और कमबैक किया भी। सो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फिजिक लेके आए थे। हाँ थोड़ा सा एस्थेटिक लुक डिस्टर्ब हो गया था उनकी प्लेसिंग्स के लिए, बहुत मार खाए उसमें प्लेसिंग में भी, उनकी प्लेसिंग आई थी 12th। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो डोरियन येट्स को भी बहुत ही स्मॉल वहाँ पे दिखा रहे हैं, मतलब डोरियन येट्स भी बहुत छोटे लग रहे हैं इतने वास्ट फ्रैंको लू फेरिग्नो के सामने। सो मेरा कहने का पर्पज़ यही है कि अगर लू फेरिग्नो क्विट ना करते और कंटिन्यूस मिस्टर ओलंपिया 1992 तक खेलते रहते, जो उनकी फिजिक तब तक मेंटेन भी थी, तो शायद एक या दो मिस्टर ओलंपिया लू फेरिग्नो जीत लेते, क्योंकि लू फेरिग्नो के पास बहुत स्टीम था अंडर द बेल्ट, क्योंकि वो मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं, मिस्टर अमेरिका रह चुके हैं, मिस्टर इंटरनेशनल वर्ल्ड रह चुके हैं। सो एक बहुत ही अच्छा उनके पास बेस था और उनको पता था कि कैसे कम्पीट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने लेजेंडरी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ कम्पीट किया था। सो शायद अर्नोल्ड के हेल्प के साथ वो थोड़ा और उभर के आते और मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन जीत लेते। लेकिन ये पर्सनल उनका चॉइस था कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग की ओर जाएंगे और फेम और रिस्पेक्ट कमाएंगे, जो उन्होंने कमाया अभी। लेकिन सिर्फ अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने उस बॉडी बिल्डिंग करियर से क्विट किया, क्योंकि वो अपने प्राइम में थे 1970s में। सो मुझे बताइए कैसे लगा आपका वीडियो, लू फेरिग्नो के बारे में क्या सोचते हैं, और जो बॉडी बिल्डर आज क्विट करते हैं और 5-6 साल के बाद वापस कमबैक अनाउंस करके कमबैक करते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और उसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई एम अर्शल मुदिराज साइनिंग आउट।